नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपका उंगली पढ़कर खड़े हैं या देवता और आपको अभी तक भनक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आप सभी को बता दें कि अब आने वाले दो दिनों के अंदर जो होने वाला है सुनकर आप नाचने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। आज के इस वीडियो में जो सच्चाई बताने जा रहे हैं सुनकर आप सभी की रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों या देवता आपकी उंगली पढ़कर खड़े हैं? आखिर क्यों यह आपके ऊपर अपना नजर बनाकर रखें? कितने दिनों से यह आपके साथ हैं और यह देवता आखिर कौन है? आज के इस वीडियो में इन सभी के बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले, साथ ही साथ कौन से संकेत यह देवता आपको देते हैं इनको भी बारे में हम आपको बताने वाले, और आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देंगे आपकी लव लाइफ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में तथा अन्य सभी स्तरों पर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, लाभ और कामयाबी देंगे, सभी के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी अपने कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर सदैव रखेंगे, शारीरिक कासन से आप सभी को दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई अब आप सभी को विस्तार से बताते कि आखिर यह देवता कौन है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि साक्षात देवों के देव महादेव आप सभी की उंगली पढ़कर खड़े। जी हाँ दोस्त, और आने वाले दो दिनों के अंदर यह आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साथ तीन तीन ऐसी खुशखबरी देंगे जिनके बारे में आप अभी सपने में भी नहीं सोचोगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की बता दें कि पिछले 5 सालों से ये आपके ऊपर अपनी सैया रखे हैं, आपकी रक्षा करते आ रही। जी हाँ दोस्तों, और इनका कारण यही है कि आपने अपने जीवन में कभी भी बुरे रास्ते नहीं अपने हैं, किसी के प्रति आपने कभी भी बुरा व्यवहार नहीं सोचा है और ना ही किसी को नीचा गिराने के भी बारे में अपने सोचे हैं। हमेशा आप लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिनके भी साथ जुड़ते हैं तो आप सच्चे दिल से जुड़ते हैं, लेकिन पिछले कई समस्या आप सभी के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। जिनके भी बारे में आपने अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, उनके लिए आप दिन रात भी नहीं देखे हैं, उनकी मदद की है, लेकिन अंत में जाकर वही इंसान आपको गलत ठहरा देते हैं, आपको ही निजात दिखा देते, मगर आप धैर्यवान इंसान हैं, आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है, आप इनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। आपको ईश्वर पर जो विश्वास है उन्हीं के कारण पिछले 5 सालों से यह देवता आपके आसपास ही घूम रहा है और आपकी उंगली पढ़कर रखा है। यही कारण है कि शत्रु आपको कितना भी हानि पहुंचाने की सोच ले, लेकिन अंत में वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। याद करिए, कई बार आप सभी के साथ ऐसा भी घटना हुआ होगा जहां पर आप बहुत ही बड़ा खतरे से बचे हैं। आपको लगा था कि आप ऐसे ही बच गए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। दरअसल यह देवता आपके साथ हमेशा सैया बनाकर रहता है। आपके दुख सुख हर जगह पर यह अपनी नजर रखता है और यही कारण है कि बड़ा सी बड़ा खतरा भी आपका टल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोग आपको नीचे गिराने में लग चुके हैं। बाहर के लोग तो आपके पीछे लग ही है, साथ ही साथ आपके घर के भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बोली बोलते हैं और पीठ पीछे ही आपकी बुराई के रास्ते भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान के कर्म हमेशा उनको ईश्वर के नजरों में सबसे आगे रखता है। बस आप सभी लोग ऐसा ही हैं। कम से आप परिपूर्ण हैं, कर्मशीले इंसान हैं, और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ अपनी नजर आपके ऊपर रखे हैं।
और आने वाले दो दिनों के अंदर अब आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, साथ ही कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधानी भी रखनी होगी और कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे विस्तार से। और उनके साथ साथ यह समय आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए, यह उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनाथ हमेशा आपको अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाएंगे, आपको हमेशा परिपूर्ण रखेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं होंगे सब कुछ पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय अगले दो दिनों के भीतर आपको तीन ऐसी खुशखबरी भोलेनाथ देने वाले जिनसे आपका मन नहीं बल्कि आपका शरीर के रोम रोम भी खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपका इंतजार कर रहा है आने वाले दो दिनों के अंदर दोस्तों, वह है आप सभी की सपने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई ना कोई सपना अवश्य ही देखा है, चाहे उनकी गाड़ी लेने के सपने हो, घर बनाने के सपने हो या फिर एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने के सपने हो। तो दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका यह सपना साकार होने वाले। जी हां दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको धान में वृद्धि होने वाली है और उनके कारण आने वाले दो दिनों के अंदर आपका एक बड़ा सपना, चाहे वह गाड़ी बंगला या फिर आपके अच्छे लाइफस्टाइल को लेकर हो, वह सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, और दूसरा जो बड़ी खुशखबरी है जो अगले दो दिनों के भीतर आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, वह है आपके स्वास्थ्य को लेकर। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि की जातक पिछले कई समय से पेट की समस्या से परेशान है और गुप्त रोगों से भी जूझ रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपका पुराना से पुराना बीमारी समाप्त होने वाला है जो पिछले कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। वह समस्या का समाधान आप सभी को मिलने वाला है, बस आप अपना मन को ना हारे, क्योंकि दोस्तों अब समय आ चुका है जब देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आपका यह दुख जड़ से ही खत्म होगा। जी हां दोस्तों, और उनके साथ साथ आप सभी को बता दें कि तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वह आपके शिक्षा के क्षेत्र में। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कैसे में से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ नई चीज सीखने का मन आपका हमेशा से बना रहता है, आप किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं और यही कारण है कि आप अपना कार्य करना पसंद करते हैं और खुद का मालिक बनने की हमेशा आप कोशिश करते रहते हैं, और इन्हें सभी के लिए सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका यह अधूरा कार्य पूरा होने वाला है। आप सभी को बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अब आपको उन्नति मिलने वाला है, देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से अब आपको आने वाले अगले दो दिनों के भीतर अपनी सोच के अनुसार आप एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हैं जिनसे आपका समाज में मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, इनके साथ साथ आप सभी को बता दें कि अपनी बुद्धि के बदौलत आप अगले 48 घंटे के भीतर अपने जीवन के सबसे बड़ी कामयाबी को अपने हाथ में पाएंगे, बेशर्ते आपको अपनी मेहनत को बरकरार रखना होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकते और ना ही ईश्वर का भी अपने भक्त से दूर जाते हैं। भक्ति के ही जीवन काल में कुछ ऐसे नकारात्मक कार्य हो जाते हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक बातें हो जाती है जिनके कारण ईश्वर खुद उनके पास रह नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप है। जहां पर सद्गुणों की बातें हो, जहां पर स्वच्छ वातावरण हो और जहां पर अच्छे कर्मों का वातावरण हो, वहीं पर ईश्वर का वास होता है। जी हां दोस्तों, और अब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है जिसे ईश्वर आपसे दूर चले जाते हैं। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक बड़ी गलती अब आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वह है शाम के समय अपने घर में हो हल्ला मचाना। जी हां दोस्तों,
यह बात आप कई बार सुन चुके होंगे कि हमारे घर में ईश्वर का वास होता है। संध्या के समय हम ईश्वर को धूप अगरबत्ती दिखाते हैं और ईश्वर को अपने घर में आगमन करने के लिए निमंत्रण देते। अगर भविष्य में हमारे घर में आपके घर में हो हल्ला मचने लगी तो ईश्वर हमारे घर में प्रवेश नहीं करते। इसके विपरीत जो घर में है वह भी बाहर चले जाते हैं। तो अब आपको अपने घर में इस वातावरण को बदलना होगा अगर आप चाहते हैं कि देवी देवताओं का वास आपके घर में हो, हमेशा आपके घर में बरकत हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दी कि अपने घर में साफ सफाई का आप अब ज्यादा ध्यान रखें। आने वाले 2 दिनों के भीतर आपके घर में दिव्य ज्योति का आगमन होने वाला है। भगवान आपके साथ है और आपको बड़ा शुभ संदेश देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ईश्वर आपको कोई संकेत भी नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा कहने का अर्थ यह है, जब भी आप रात में सोएंगे तो वहां पर भी आपको नकारात्मक ही सपने आएंगे। अगर आप अपने घर की साफ सफाई रखेंगे, अपने बेडरूम को अच्छी तरीके से रखेंगे, तो हम आपसे भी को बता दें कि ईश्वर आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपना के अनुसार आपको ईश्वर बहुत ही बड़ा संदेश देंगे, जो आपके कार्य बनने वाले हैं, जो आपको कामयाबी मिलने वाले, उन सभी के बारे में आपको संकेत मिलने वाला है। इसीलिए आपको अब अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जो गलती इंसान करता है वह यह करता है कि जब भी हुआ अपने घर में पूजा पाठ करता है तो वह पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद का अपने घर में ही वितरण करते हैं। खाने का मतलब यह है कि वह प्रसाद वह अपने घर में ही रखते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अब यह आदत को भी आप सुधार लीजिए, क्योंकि इसे भी ईश्वर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पूजा करें, पाठ करें, तो वह प्रसाद को आप अपने आस पड़ोस में अवश्य दें। इसे ईश्वर का प्रसार होता है और ईश्वर इसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी सड़क के ऊपर अपना कृपा बरसती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, इनसे आपका घर बिल्कुल ही धन्यवाद से भर जाएगा। इसी के साथ हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर आपकी जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगी। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रूमानी हो। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार आपके ऊर्जा स्तर को उठाए रखने में अहम साबित होगा। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम न हो पाएं। ऐसा दिन है जब काम का दबाव कम रहेगा और आप परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए सूझबूझ और होशियारी का इस्तेमाल करें। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें।
नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। आज का दिन अपने संबंध को नए स्तर पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं, तो आज अंतिम रूप से इस पर मोहर लगा सकते हैं। यहां तक कि आप परिवार शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो अकेले हैं, वे ऐसे किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिल सकते हैं जो उनके भविष्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना न भूलें। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का ये एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है, इसलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार और अपने ऊपर कुछ व्यय भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो। आप आज सृजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे और कहेंगे। आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आज साथ नहीं देगा। देख समझकर यह खोजें कि आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दें। आप काफी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाते आ रहे हैं। इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या अपनी भाव भंगिमा के द्वारा आश्चर्यचकित करने का है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी कुछ समय से अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही हैं। आपने अपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है। अब यह समय अपनी प्रशंसा दिखाने का है और यह सुनिश्चित करे कि वही चीज आपको सहृदय वापस मिले। बहरहाल आज अपने साथी की अनदेखी रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकती है। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होंगी, लेकिन बिन मांगे दी गई। आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। आपको आज खुद की ही सुननी चाहिए और खुद को खुश करने या संवारने के लिए आप काफी पैसे भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि जहां तक आपकी इच्छाओं या आपके कामों से दूसरों का भी लेना देना है, थोड़ा संभल कर व्यवहार करें, क्योंकि लोग आपकी नेक इच्छाओं को भी गलत समझ सकते हैं। अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। आज आपको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कुछ सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन काफी शुभ हो सकता है। आपको शीघ्र ही एक नई नौकरी या एक नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी डीढ़ी कर सकती हैं, जिससे आप बचना चाहते थे, पर आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण
अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरे भी आएंगे, अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थाई लालच के चक्कर में पाडीडी डीडी कर अपनी उस मेहनत को बेकार न करें। आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी, उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर ऑफिस में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मजे करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। आप आज विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह समय अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय आपके गंभीर होने से सफलता की पूरी संभावना है। आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमा के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। अगर आप एकल है तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मुद्दा आएगा। आज का दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है। इसकी वजह से आपके धुर विरोधी बोली से पहले ही हार जाएंगे या किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा, जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि करेगा। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम न करें। आप जो भी कर रहे हैं, उसके बारे में जानने दें। अपनी जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। आज ग्रहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं, उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे, जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे, लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। आप कुछ समय से अपनी विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे, और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का ये सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे, तो हो सकता है कि आप कुछ बढ़ी एवं सुव्यवस्थित चीज ले सकते हैं। कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप ये मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता की भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा। प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आज आपके पूरा दिन खुशी, अच्छे स्वास्थ्य
और सामान्यता, बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आज आपके हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रबंधन कौशल की वजह से आप पाएंगे कि अपने कितना कुछ पाया है। आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएंगे और मुश्किल परियोजनाओं के रास्ते में जो रुकावट थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आप न केवल आसानी से अपने सभी कार्यों का बोझ खत्म करने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किसी को प्रभावित करने में भी सक्षम होंगे। आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए अपने सभी मुश्किल काम आज करने की योजना बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तैलीय तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। पात अधिक मात्रा में पानी पिएं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप अपना दृष्टिकोण सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो, इसीलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद कर लें। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा।